आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये हमें एक प्रश्न दिया गया है, निम्नांकित प्रत्येक पद की परिभाषा लिखिए, और हमें कौन सा पद दिया गया, कोण, हमें कोण की परिभाषा लिखना। तो चलिए पहले हम समझ लेते हैं कोण किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए, तो जैसे देखिए ये कोई रेखा होता है, ठीक है, तो रेखा के एक सिरे को हम ऐसे ऐसे यहीं पे अपनी जगह पर स्थिर रख देते हैं, ठीक है, ये सिरा हमारा स्थिर, ये सिरा हमारा स्थिर है, ठीक है। और रेखा के दूसरे सिरे को ऐसे से हम घुमाते हैं, कभी यहाँ पे, फिर कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, ठीक है। तो ये रेखा का दूसरा सिरा देखो ऐसे से घूम रहा है धीरे धीरे, फिर कभी यहाँ पे देखो सीधा हो जा रहा है, फिर ऐसे। तो फिर ये एक रेखा का एक सिरा स्थिर है और दूसरा सिरा देखो घूम रहा है, तो यही जो दूसरा सिरा घूमता है, ठीक है, इसको बोलते हैं परिक्रमण। तो इसी जो परिक्रमण करते हैं, इसके परिक्रमण को जो हम नापते हैं, इसी को मापने को ही हम कोण कहते हैं, ठीक है। दूसरे सिरे के परिक्रमण को जो हम नापते हैं या फिर मापते हैं, उसे ही कोण कहते हैं। तो चलिए इसे शब्दों में लिख लेते हैं, कोण, ठीक। यदि कोई रेखा, अपने एक सिरे को स्थिर रखकर, देखो ये स्थिर है, ठीक, अपने एक सिरे को स्थिर रखकर घूमती हुई, ठीक है, घूमती हुई अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, तो रेखा के परिक्रमण जो घूमता उसे परिक्रमण कहते हैं, ठीक है, घूमने को, परिक्रमण की माप को, कोण कहते हैं, ठीक है। कि हमारा कोण का परिभाषा का मतलब कुछ नहीं, एक रेखा का एक सिरा स्थिर रहता है और दूसरा सिरा जो घूमता है, जिसे ये कितना घूम जा रहा है, इसी को जो हम नापते हैं उसी को क्या कहते हैं, कोण। तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।